श्रद्धे अडवाणी जी, श्रीमान वेंकैया जी और सभी आदरणीय सांसद महोदय, संसद में विराम का समय होता है, लेकिन संसद सदस्यों के लिए वो सबसे अधिक व्यस्तता का समय रहता है। एक महीना पार्लियामेंट में रहने के बाद जब वापिस जाते हैं तो बहुत दौरा भी करना पड़ता है, अनेक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, तो एक प्रकार से बहुत ही व्यस्त समय बिता करके अब वापिस आए हैं। और इस दरमियान सामान्य मानवी से भी आपको बहुत सारी बातों का फीडबैक भी मिला होगा, सरकार के कामकाज का, बजट के संबंध में खास तौर पर। और एक प्रकार से इस सत्र का जो दूसरा पार्ट होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि बहुत ही फोकस फीडबैक के साथ हमारे सांसद वापिस आते हैं। और इस अर्थ में मुझे पूरा विश्वास है कि सत्र का ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट बहुत ही उत्तम विचार विमर्श का रहेगा, बहुत ही परिणामकारी रहेगा। इस देश की जनता का हमने बार बार आभार प्रकट करना चाहिए, बार बार अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत मिलने के कारण देश को चलाने का कैसा वातावरण बनता है, अगर पिछले 5-7 साल देखें आप तो संसद की गतिविधि का जो प्रोडक्टिविटी है बहुत नीची रहती थी, कभी 60%, कभी 70%, कभी 75%। लेकिन पिछले 10 महीने में जितने सत्र हुए करीब करीब 125% प्रोडक्टिविटी, वैसे हमारे देश में एक विषय में मैं बताऊंगा कि मीडिया का रोल बड़ा अच्छा रहता है। जब संसद चलती नहीं है या डिस्टर्ब होती है तो एक स्वर से, फिर हम अपोजिशन में थे तो हमारी भी आलोचना होती थी, आज जो अपोजिशन में है उनकी भी आलोचना, मीडिया ने इस विषय में बहुत ही बैलेंस व्यू हमेशा रखा है। और मीडिया ने भी प्रेशर पैदा किया हुआ है हमेशा कि भाई संसद तो चलनी चाहिए, आपका मत जो है, पक्ष में रहो विपक्ष में रहो, लेकिन काम करो। लेकिन 125% जो चली है उसकी जरा चर्चा कम है, लेकिन ये दबाव जो बनाया है, मैं मीडिया का इस विषय में आभारी हूं कि संसद में संसद के प्रति जो जिम्मेवारी का माहौल उसके कारण बनता है वो देश के लिए लाभकर्ता होता है। आखिरकार लोकतंत्र में मंथन ही तो सबसे बड़ा माध्यम होता है, विपक्ष के भी कड़वी से कड़वी बात आखिरकार संसद के परिसर में जब होती है तो उसका लाभ ज्यादा होता है। और मैं समझता हूं कि ये सेकंड हाफ है वो बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मुझे लगता है।
मैं कल ही आया फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की विजिट करने। इस बार के दौरे का मूल कारण तो था जर्मनी में जो एक विश्व का सबसे बड़ा हैनोवर फेयर होता है, जिसमें भारत पार्टनर कंट्री था और मेक इन इंडिया के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और स्वाभाविक है कि जाते हैं तो जरा ज़्यादा ही फायदा उठाएं। तो फिर फ्रांस और कनाडा दोनों का साथ साथ कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस यात्रा में करीब करीब हर किसी की पीन एक ही जगह पे अटक गई। उसमें कुछ हमारा भी दोष होगा, कम्युनिकेशन में ऐसा मुझे लगता है। हमारे यानी मैं मेरे से शुरू करता हूं। ज्यादातर रफेल 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 उसी के आसपास गाड़ी चल पड़ी। वैसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं सबकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन दो की मैं करना चाहता हूं जिसकी तरफ या तो ध्यान गया नहीं या ध्यान जानबूझ करके कुछ लोगों ने उस पर ध्यान लोगों का आकर्षित न होने देने के लिए भरपूर प्रयास किया है। जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उसको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करें। हमारे देश में सब सरकारों ने, ये जरूरी नहीं कि मोदी सरकार को ही उल्लेख किया जाए, सब सरकारों ने लगातार ये कोशिश की है कि सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू हो। किसी न किसी कारण से उसमें हमें विश्व का न समर्थन मिलता रहा न सहाय मिलती रही। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो कोई देने को तैयार नहीं, फ्यूल चाहिए तो कोई देने को तैयार नहीं। और दुनिया ये तो कहे कि कार्बन एमिशन कम करो, एनर्जी के सोर्सेज बदलो, ये तो जगत हमको कहे, लेकिन न्यूक्लियर की बात आए तो सब लोग हमसे किनारा कर देते थे। जापान के अपने आंतरिक सिद्धांत है, नीति नियम है, इसलिए उसकी भी मदद नहीं मिलती थी। भारत को सिविल न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर की जरूरत है, मैं रिएक्टर मिलता नहीं, कोई देता नहीं इतने सालों। और सब सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं किसी ने प्रयास नहीं किया, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। पहली बार एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और वो मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी बहुत बड़ा निर्णय है। फ्रांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने के लिए सहमत हुआ है इस यात्रा में, और एलएनटी और फ्रांस की कंपनी अरेवा मिलकर के भारत में न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर का निर्माण करेंगे। ये काम जब पूरा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां पर होंगे। ये बात किसी न किसी रूप में कम्युनिकेट नहीं हो पाई या कुछ लोगों के एजेंडा में फिट नहीं होती थी तो उसको साइड ट्रैक किया होगा, जो भी हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैं मानता हूं कि काम हुआ है। दूसरा, कनाडा में महत्वपूर्ण काम हुआ है 5 साल के लिए यूरेनियम सप्लाई करने का। ये चीजें हैं जिसमें दुनिया में बहुत बड़ी सेंसिटिविटी है। ये निर्णय करने के लिए देने वाले देश को भी बहुत बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच फैसला करना पड़ता है। लेकिन भारत की एक विश्वसनीयता बढ़ी है, उसका परिणाम है कि आज इन चीजों में सफलता मिल रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में
भारत की विकास यात्रा में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। स्पेस में हमने जिस प्रकार से अपनी एक जगह बनाई है, एटॉमिक एनर्जी में हम लोग जिस प्रकार से दुनिया के एटॉमिक एनर्जी वर्ल्ड जो है उसमें अपने स्थान अनुभव करते हैं, न्यूक्लियर क्षेत्र में हम आश्रित रहे हमेशा, कभी कभी निराश्रित रहे। पहली बार, और जब इन चीजों में जाते हैं तो आप डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाते हैं, और मैं समझता हूं, खैर स्किल डेवलपमेंट वगैरह कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी संसद में जब सुषमा जी बात करेगी तो आपके पास डिटेल मिलेगी, तो मैं इसकी अभी चर्चा नहीं करता हूं। एक और काम अभी भी मैं बताता हूं, हम मन से, स्वभाव से, संस्कार से सत्ता से जुड़ नहीं पाते हैं। मैं इसे वैसे बुरा नहीं मानता हूं। हम वो लोग हैं जिनको सत्ता से जुड़ते नहीं है, इसका कारण होता है, इसका परिणाम ये भी होता है कि सत्ता का नशा में चढ़ता नहीं है। जाने अनजाने में भी हमारे डीएनए में हम विपक्ष में रहे हैं तो वो ज्यादा रहता है, और परिणाम स्वरूप अच्छी अच्छी बातों का भी जो इको इफेक्ट होना चाहिए, और इसमें मीडिया को दोष देने की जरूरत नहीं है जी, अच्छी चीजों का इको इफेक्ट होना चाहिए, वो हमारा छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? वो मूल प्रकृति है। मैं एक छोटी घटना बताऊं, लेकिन वो कितना बड़ा काम है, लेकिन जिस प्रकार से हमें इस बात को लेना चाहिए हम ही नहीं ले पाते। आप कल्पना कर सकते हो कि यमन में 2400 घंटे बॉम्बार्डिंग चलता हो, मरने मारने पर तुली हुई हो दुनिया, और एक टेस्केस के रूप में लड़ाई जहां चलती हो, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बातचीत करके उनकी मदद लेकर के हर दिन दो दो घंटे बॉम्बार्डिंग रुकवाना, और उस दो घंटे के समय जितने भारतीयों को अंदर से निकाल सके निकाल लेना, ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। और आप सारी दुनिया के टीवी देख लीजिए, सारी दुनिया के अखबार देख लीजिए, भारत ने सारे ऑपरेशन को जिस प्रकार से फोरफ्रंट से किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की, वरना वो खबरें ज्यादा चलती हैं जो किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में बन गई और हमारे यहां कुछ लोगों ने उछाल दी तो दुनिया के वो न्यूज बन जाते हैं, जबकि ये भारतीय अखबारों में तो वो आखिर आखिर में मीडिया ने उसकी तरफ ध्यान गया क्योंकि किसी एक और कारणों से गया। मैं मानता हूं दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि किसी सरकार का एक मंत्री, जैसे युद्ध के मैदान में खड़ा हो वैसे वहां खड़ा रह करके काम करता हो साहब। ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। और मैं जनरल वीके सिंह को सैल्यूट करता हूं, आप लोग अगर सोशल मीडिया में होंगे तो देखा होगा रात को 1 बजे भी
किसी ने सुषमा जी को अगर ट्वीट किया हो तो रात 1:10 में उनका जवाब जाता है, कंसर्न एम्बेसी को सूचना जाती है, विदिन ए आवर उसका संपर्क कर दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हो, भारत का विदेश मंत्रालय इस रूप में कभी काम किया हो, देखा है क्या किसी ने? और ये फंसे हुए लोग कौन थे? मजदूरी करने गए हुए लोग हैं ये अमीर लोग नहीं है। अमीर लोग तो अपने चार्टर प्लेन करके निकल जाते हैं, ये गरीब लोग थे जी, नर्सिस का काम करने वाली गरीब बेटियां थी, उनकी इज्जत की चिंता थी। ये काम, और जो इको इफेक्ट मैं कहता हूं, खास करके केरल, कर्नाटक, आंध्र, जहां के साथ सब सर्वाधिक लोग वापिस आए, अगर हम मूलतः सत्ता के साथ जुड़े स्वभाव के बने होते तो सुषमा जी का और वीके सिंह का इस जगह पर इतना बड़ा शानदार सम्मान के कार्यक्रम पार्टी ने तय किए होते जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि वहां हजारों की तादाद में लोग जान बचा करके वापिस आए हैं, सहज रूप से आपके प्रति आदर का भाव है। मीडिया आपके लिए तस्वीर दिखाए या न दिखाए इसकी चिंता छोड़ दीजिए, जनता के दिलों में आपने जगह बना ली है। लेकिन इको इफेक्ट, ये इको इफेक्ट का जो हमारा और मूल कारण है कि हम स्वभाव से अपने अचीवमेंट्स के संबंध में भी कभी कभी उदासीन हो। मुझे बताइए, रेलवे ये अमीरों की व्यवस्था है क्या? आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में या यूपीए के कार्यकाल में रेलवे का कारोबार का एनालिसिस कीजिए। जो उनके एक सफल मंत्री रहे थे, जो बाइन लाज पिछले 30-40 साल में कहा जाए कि फलाने व्यक्ति ने ठीक रेलवे का काम किया था, ऐसी है क्या? तो भी उसको देखोगे तो क्या है उसमें? जो अमीर घराने के लोगों को सुलभ हो, रेलवे के उन पहलुओं को ही ध्यान दिया गया था, शताब्दी ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, राजधानी ट्रेन, इसी के आसपास था एसी कोचिज। ये मैं कांग्रेस के लोगों के समय में रेलवे के साथ किया गया काम के आप एनालिसिस कर लीजिए, और ये सरकार देखिए उसके रेलवे के सारे कामों में सामान्य मानवीय की सुविधा केंद्र में हो, ऐसा रेलवे का थिंकिंग पहली बार बना है। मैं तो इतना प्रसन्न हो रहा हूं इन दिनों कि ज्यादातर यानी जिनसे कभी अपेक्षा नहीं करते ऐसे लोग भी, मैंने एक 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 पत्रकार का एक दिन एक ट्वीट देखा, उसने ट्वीट किया था कि मैं लंबे अरसे के बाद ट्रेन में गया हूं लेकिन मैं देख रहा हूं कि सब लोग डिब्बे में डिब्बा साफ सुथरा है इसकी चर्चा कर रहे हैं, रेलवे का डिब्बा साफ सुथरा इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब ये बातें, देश बदल रहा है, इसकी चीजें इसी से पकड़ में आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कहां गंदगी नहीं होगी, और न ही मैंने अभी तक कोई दावा किया है। हमारी दिशा क्या है? और इसलिए आखिरकार हम रेलवे पर क्यों बल रहे हैं? मैं विदेश गया अभी, मैं सबसे ज्यादा समय मैंने रेलवे वालों से बिताया है। मैं रेलवे स्टेशन देखने के लिए चला गया क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति, उसकी सुख सुविधा जाना आने का साधन है तो वही है जी, मुझे उसमें बदल लाना है। उसको ज्यादा सुविधाएं क्या मिले, उसकी सुख सुविधा की व्यवस्था क्यों ना हो। और इसलिए वरना
कोई और भी तो बहुत क्षेत्र थे जो हम देख सकते थे। हमारा प्रयास ये है कि जन सामान्य जहां जुड़ा हुआ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव कैसे आए, उसको प्रायोरिटी कैसे दें, और उस दिशा में हमारा प्रयास है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं मानता हूं हम लोगों के जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी मनाना इससे बड़ा कोई सौभाग्य का पल नहीं हो सकता है दोस्त। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि हम उस कार्यकाल में इतने महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं कि जहां पर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी मनाना मतलब दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का संदेश है, गांव गरीब किसान यही ये हमने करते आए। देखिए दुनिया कोई कोई कहे जरूरी नहीं है, मेरा संसद में जिस दिन मुझे पार्लियामेंट में चुन करके आप लोगों ने नेता माना, सेंट्रल हॉल में बैठे थे, मेरा पहले दिन का भाषण है कि सरकार गरीबों को समर्पित है। लेकिन परवर्टेड माइंड के लोगों का हाल देखो, विकृत मानस के लोगों का हाल देखो। जब बेंगलोर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, दीनदयाल जी की शताब्दी को लेकर के जब मैंने समापन में भाषण किया, तो किसी भी हालत में जो जन्मजात जिनका कार्यक्रम है भाजपा के खिलाफ काम करना, वो करे मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि उनका काम है। लेकिन पता होना चाहिए आप न्यूट्रल नहीं हो, ये पता होना चाहिए दुनिया को। आप जो करें वो गलत नहीं है, आपके विचार है और लोकतंत्र में आपको हक है, हमारी भारो भार आलोचना। लेकिन न्यूट्रल होने का क्लेम करने का हक नहीं है ऐसे लोगों को। उन्होंने क्या कहा, ये लैंड एक्विजिशन बिल के कारण मोदी अब गरीबों की बात कर रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री पद का शपथ बाकी था, सिर्फ नेता के नाते चुना गया था, और मैंने दिल से कहा है ये सरकार गरीबों को समर्पित है। पर झूठ इतना चलाया जाता है, झूठ इतना चलाया जाता है। और मित्रों मैं बताता हूं, आप जनता पे भरोसा कीजिए और कोई व्यवस्था पे भरोसा मत कीजिए। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिला करके दिल से बात कीजिए लोगों से, आप देखिए दुनिया आपको चार चांद लगा देगी, आपको कंधे पर उठा के चलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है जी। कोई मुझे कल्पना कर सकता है आखिरकार सरकार ये क्यों क्यों मिशन लेके चली है कि भाई हमारा सपना है कि देश की आजादी के 75 साल हो, हर किसी का अपना रहने के लिए घर हो। ये किसके लिए है, हर किसी को रहने के लिए अपना घर वो किसके लिए है? कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये अमीर है क्या? ये किसी टीवी चैनल के मालिक का घर नहीं है उसको देने के लिए कर रहे हैं क्या? किसी अखबार के मालिक को घर नहीं उसका घर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? ये मुकेश अंबानी के लिए घर बनाने के लिए कह रहे हैं क्या? इस देश में कौन है जिसके पास घर नहीं है? और परिवार बिना छत के हैं, उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि पुरानी सरकारें जिम्मेवार है, तो मैं गुनहगार हूं क्या? कहीं हकीकत नहीं है कि देश आजाद होने के बाद जितने लोगों के पास घर था, आज 60 साल के बाद बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ गई है। और क्या यह सपना देखना बुरा है क्या कि मेरे देश के हर गरीब परिवार को रहने के लिए कम से कम छत हो? और हम चाहते हैं, हम उसमें कुछ पैरामीटर तय करते हैं, हम कहते हैं कि भाई घर हो, घर में बिजली हो, पानी का प्रबंध हो, शौचालय हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, बूढ़ों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो। क्या गरीब के लिए यह सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस काम को लेकर के हम चल रहे हैं।
और सारे निर्णय नीतियां उसी के आसपास चल रही है। अब लोग करप्शन की चर्चा करते हैं, अच्छा है इस सरकार पर नहीं कर रहे, लेकिन जैसे इस सरकार को करप्शन पर बोलना भी गुनाह हो गया, इस प्रकार से हमको इन दिनों नोच लिया जाता है। क्या इस देश में करप्शन था कि नहीं था? यह देश करप्शन के कारण परेशान था कि नहीं था? और अगर हमने उसमें से देश को मुक्ति दिलाने की दिशा में अब तक सफलता पाई है तो वो कहना हमारा गुनाह है क्या? सीमेंट का थैली बोरी, सीमेंट की बोरी, कभी सरकार में सीमेंट की बोरी, बोरी बोलते हैं ना, सीमेंट का थैला, सीमेंट का बैग, कभी 300 350 रुपए में लिया जाता है। आज ये सरकार के द्वारा प्रयास कर करके शायद उसको 100-150 तक ले आए हैं शायद, हाँ 120। अब ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव आया है घर बनाने में सस्ता मकान बनाने में काम आएगा कि नहीं आएगा, सरकार की इमारतें बनाने में एक सस्ता से बनने में काम आएगा कि नहीं आएगा, सरकारी खजाने का पैसा बचेगा कि नहीं बचाएगा, जो पैसा बचेगा वो गरीब के काम आएगा कि नहीं आएगा। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, हमने सरकारी तिजोरी में से कितने रुपए लुटा दिए, इसके आधार पर हम गरीबों का भला कर रहे हैं नहीं कर रहे इसका निर्णय नहीं होता है। हम गरीबों की जिंदगी किस प्रकार से बदलने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं इस पर निर्णय होता है कि हम किस प्रकार से चलना चाहते। आप एक अस्पताल बना करके वाहवाही लूटते हो, मैं एक शौचालय बना करके आरोग्य की गारंटी दे सकता हूं। अस्पताल तो बात की बात है, हम अस्पताल भी बनाएंगे और पहले की सरकारों ने बनाएंगे उसे ज्यादा बना करके जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। लेकिन शौचालय के पीछे हम क्यों लगे हैं जी? क्या आजादी के इतने साल के बाद हमारी माताएं बहनें इज्जत के साथ रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अगर टॉयलेट को लेकर के मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि आप इसको एक आंदोलन को चलाइए, ये समाज के आशीर्वाद मिलेंगे। और आप विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं आज जहां हूं, मेरे गुजरात के 14 साल के मुख्यमंत्री का अनुभव है, माता बहनों का आशीर्वाद मुझे बहुत काम आया। वे शक्ति हैं, उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना है, ये हमारा कर्तव्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किसकी बेटी भाई? किसी आईएएस अफसरों की बेटियों को पढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा है क्या? किसी एमपी की बेटी को पढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा है क्या? कौन अनपढ़ है? शिक्षा से वंचित कौन लोग रहे हैं? इस देश में माइनॉरिटी की बच्चियां सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं भाइयों, ये समाज कैसे चलेगा? अगर मेरे मुसलमान परिवार की बेटियां भी अशिक्षित हैं तो मेरा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दलित की बेटी अशिक्षित है, आदिवासी की बेटी अशिक्षित है, पिछड़ों की बेटियां अशिक्षित है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे अभी जाट समाज के नेता मिलने आए थे, उनके आरक्षण का मुद्दे का जो सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसके बाद आए थे, मेरा कर्तव्य बनता है मिलूं। उन्होंने मुझे अपनी बातें बताई, फिर मैंने उनसे कहा, अब ये कोई पॉलिटिशियन कर सकता है नहीं कर सकता मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शायद उस ब्रीड का हूं ही नहीं, इसलिए मैंने कह दिया उनसे, मैंने कहा आपकी बात चलो जो कानून का काम करेगा, हमें जो करना होगा हम करेंगे, हम कोर्ट में जो गतिविधि करनी होगी करेंगे, लेकिन मैंने कहा आप मेरा एक काम करोगे क्या, मुझे वादा करो। तो चौंक गए, मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री हूं और देश का प्रधानमंत्री आपसे आज कुछ मांग रहा है, मैंने कहा मुझे वादा करो। जाट समाज को कहा मैंने, वादा करो बेटी बचाने का,
अब भ्रूण हत्या नहीं होगी हमारे समाज में, बेटियों को मां की गोद में मार नहीं दिया। क्यों? राजनीति ये करने के लिए प्रेरित नहीं करती है भाइयों, ये राष्ट्र नीति है जो हमें करने के लिए मजबूर करती है, हमें प्रेरित करते, हमें आंदोलित करती है। और इसलिए हमारी हर गतिविधि राजनीति की तराजू से न तोली जाए, राष्ट्र नीति के तराजू से तोली जाए। एक सपना लेकर के चले हैं। अब आप देखिए इंश्योरेंस की स्कीम लेकर के आए हैं, ये क्या है? कभी किसी ने सोचा है? अगर मैं इसी को राजनीति करनी होती तो मैं इतना ही कहता कि अब किसानों को पेंशन मिलेगा तो ओहो बड़ी हेडलाइन बन जाती, बड़ा न्यूज बन जाता, वाह। लेकिन मैं कहता हूं देश के सब नागरिकों को पेंशन मिलेगा तो फिर इसका कोई चर्चा नहीं। पेंशन स्कीम में गृहिणी भी, एक हाउसवाइफ भी सरकारी योजना को समझ करके अभी से हिस्सेदार बने, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा निर्धारित कर सकता है। सरकार इसमें अपना हाथ बटाएगा, समाज अपना हाथ बटाएगा, एक सिक्योरिटी का माहौल बनेगा, उस दिशा में आप चले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हमने एक रिक्वेस्ट की, इनफॉर्मल की हमने, कुछ दिन पहले मैंने फॉर्मल रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई जिसको आर्थिक रूप से संपन्न है, कुछ ठीक ठीक है, अपना गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए। मुझे अच्छा लगा, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने भी अपने सभी मुलाजिम का तय किया, कुछ बैंकों ने तय किया कि हमारे मुलाजिम अब सब्सिडी नहीं लेंगे। मैं धर्मेंद्र जी को पूछ रहा था, आज मुझे बता रहे थे कि 4 लाख से अधिक लोगों ने सब्सिडी अपनी छोड़ दी। मैंने सभी MLA MP को भी कहा है कि हमने अपनी सब्सिडी छोड़नी चाहिए। लेकिन सब्सिडी इसलिए छोड़नी है क्या कि भाई 4 लाख सब्सिडी छोड़े मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में बचता है। लेकिन सरकारी खजाने में 200 करोड़ रुपया बचाने के लिए कार्यक्रम नहीं है। मैं सभी सांसदों को विश्वास दिलाता हूं ये जो सब्सिडी के पैसे बचेंगे वो सरकारी खजाने में नहीं डाले जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? मोदी की जेब में डालेंगे क्या? मोदी की जेब में डालेंगे? हमने तय किया है कि जो गरीब माताएं हैं, जो आज घर में लकड़ी का चूल्हा जलाती है, दिन भर धुएं में रहती है, जिसके बच्चों को धुएं में बचपन गुजारना पड़ता है और धुएं के कारण बीमारी होती है, ये मानना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये जो सिलेंडर लोग सरेंडर करेंगे वो उन गरीब माताओं को मुझे देना है। और ये मैं एनवायरमेंट की भी बड़ी सेवा कर रहा हूं, गरीब की भी सेवा कर रहा हूं, आरोग्य की भी सेवा कर रहा हूं और गरीब के कल्याण का भी काम कर रहा हूं। मुझे किसी ने पूछा कि वो गैस का चूल्हा वूल्हा कहां रखेंगे, वो टेबल वेबल तो होता नहीं। मैंने कहा ऐसा करो, एक छोटा सा गड्ढा कर दो, सिलेंडर गड्ढे में रखो और चूल्हा वो गैस निकलेगा ऊपर, और चूल्हा जमीन पर होकर चलेगा। हर चीज के रास्ते होते, रोते बैठने से काम नहीं चलता है देश में। हम जंगल बचेंगे उसके कारण। और आप कल्पना कर सकते हैं जी, अगर हमारे 1 करोड़ लोग ये मान लीजिए सिलेंडर छोड़ देते हैं सब्सिडी, 1 करोड़ गरीब परिवारों में लकड़ी के चूल्हे की जगह पे गैस का चूल्हा जलने लगेगा, आप मुझे बताइए उस माँ के आशीर्वाद किसके काम आएंगे? क्या सोचा है कभी? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों कि कुछ लोगों के दिमाग एक ही जगह पे अटका हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है। मुझे बराबर याद है, मैं तब तो राजनीति में नहीं था, एक बार गुजरात में अटल जी का दौरा था तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, हम तो नहीं थे मीटिंग में, हम तो राजनीति में नहीं थे, लेकिन मीटिंग वाले मुझे बता रहे थे कि मीटिंग में अटल जी को कहा गया कि अटल जी हम देशभक्ति के लिए तो बहुत कुछ बातें बताते हैं, राष्ट्र भावना जगाने की बहुत बताते हैं,
लेकिन ये गेहूं के दाम, कपास के दाम, उन विषयों पर कुछ बोला जाए तो अच्छा होगा। तो अटल जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कल अखबार जब छपेंगे तो उसकी कटिंग मुझे भेज देना और क्या छपना है मुझे बताना। तो मैंने उस कार्यकर्ता से जाना, तो मैं थोड़ा जिज्ञासा थी मुझे, मैं तो सामान्य सामाजिक सेवा में लगा हुआ था तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, करीब 80% प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किसान के सवाल, गरीब के सवाल, महंगाई के, इन्हीं विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और एक दो चार मिनट शायद देश की सुरक्षा, इन सारे विषयों पर बोले। और दूसरे दिन देखा अखबार में है, वो 4 मिनट वाला सब छपा था, वो 80 मिनट वाला कुछ नहीं छपा था। हमारा भी इतना सारा, ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोगों को रखता है, यानी आप ये तो यही मैं समझता हूं। ये हमारे लोगों का दायित्व बढ़ जाता है, हम लोगों का दायित्व बढ़ जाता है कि हम इन बातों को लेकर के सामान्य मानवीय तक कैसे पहुंचे। एक बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार में हुआ है, बजट में आपको जो सामान दिया है उसमें मेरी लिखी हुई कुछ चिट्ठियां हैं, आप देखेंगे, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, और वो पढ़ेंगे तो आपको पूरे पार्लियामेंट में बोलने के लिए काफी कुछ मुद्दा इसमें है। हमारे देश के आप ड्राइवर भी होगा ना, कोई कभी मौका मिले किसी शहर में गए हो, कोई भी सरकारी ड्राइवर हो, गैर सरकारी, उनसे बात कीजिए, जरूर कीजिए, मैं करता रहता हूँ। आप उसको पीछे बताओ, भाई कैसे हो, कर्ज वर्त तो है क्या, कर्ज करते हो क्या, कितना कर्ज है, ऐसा पूछिए। मेरा अनुभव है ज़्यादातर ड्राइवर हो या लिफ्टमैन हो, उनको कोई न कोई कर्ज है। मैं पूछता हूं क्यों कर्ज करते हो, शुरू में मुझे आश्चर्य होता था क्यों कर्ज करते हैं, क्या हुआ, आप 24 घंटे यही देखते रहोगे आप टीवी पे। आज की न्यूज आइटम यही रहेगी। कोई ये रहेगा, कहेगा कि मोदी इतने जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि बोर्ड भी गिर गया। क्या विषय में कह रहा था, हाँ। फिर मैं पूछने लगा, साहब एक बात जो बताता था वो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा साहब ऐसा है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस देने के लिए कर्ज किया है। पहले तो लगा शायद कोई आदत गलत होगी, इसलिए अधिकतम लोग जिनसे मेरी बात हुई है, ये ड्राइवर हो, लिफ्टमैन हो, गरीब लोग हैं, उनके दिल में अपने बच्चों को पढ़ाने का जो एस्पिरेशन है ना साहब, लोग मुझे कहते हैं ना कभी आपको इतना विश्वास क्यों कि भारत आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास इसलिए है कि ड्राइवर भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, लेकिन उसको कर्ज करना पड़ रहा है। और इसलिए इस बार सरकार ने ये योजना बनाई एक स्पेशल, अब बैंकों को विद्यार्थियों को कर्ज देने के लिए कईयों बार बताई गया, लेकिन हम जानते हैं कि बेचारे विद्यार्थी कर्ज नहीं ले पाते, और बैंकों को आप जानते हैं क्या करके रखा हुआ है पुरानी सरकारों ने। इन दिनों तो बैंकों ने जो काम किया है साहब, मैं काबिले दाद है, मैं उनको सलाम करता हूं, खास करके प्रधानमंत्री जनधन योजना को बैंकों ने सफल बनाया है। भले लोग वाहवाही मोदी की करते हो, लेकिन क्रेडिट जाती है उन बैंक के छोटे छोटे मुलाजिमों को जो मेहनत की, गांव गए, गरीब गए, लोगों के घर गए जी, छोटा काम नहीं किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन पहले विद्यार्थी जाकर के कितनी चिट्ठियां भेजे, अब बेचारा पढ़ना है तो क्या,
हम लोगों ने एक अलग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया है इस बजट में, जिसके कारण विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई के लिए पैसों के कारण परेशानी नहीं होगी, इसकी व्यवस्था का भी विकास किया है। और एक बार देखिए, एक बार अगर उसको पैसों का प्रबंध हो जाए तो वो प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा फी देकर के पढ़ने को तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है कि कमाई होगी तो 10-10% रुपया मैं पैसा वापस देना होगा, मैं दे दूंगा, वो पैसा दोबारा देना नहीं चाहता है। एक अच्छा, हर चीज की बारीकी में अगर कोई देखेगा तो हमारी कोशिश यह है कि सामान्य वर्ग परिवार, न्यू मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा एस्पिरेशन न्यू मिडिल क्लास में है, वो अब किसी भी हालत में झुग्गी झोपड़ी में वापस जाना नहीं चाहता है। उसे ये मालूम है कि मैं अमीरों के बीच में नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन कम से कम सम्मान के साथ जी सकूं, ऐसी व्यवस्था तो चाहिए। हमारी ये कोशिश है, गरीब को ताकत कैसे मिले। राजनीति तो कहती है खजाना खाली करो, इधर बांटो उधर बांटो, भावाई करो, चलाओ गाड़ी। ये राजनीति वालों ने देश को तबाह कर दिया है दोस्तों। राष्ट्र नीति ही देश को बचाएगी, और राष्ट्र नीति कहती है हम गरीब को ताकतवर बनाएं। मैं चाहूंगा हमारे सभी सांसद इस बार मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा डाले हैं। हम चाहते हैं कि गांव में रुपया ज्यादा आए, हम चाहते हैं गांव की खरीद शक्ति बढ़े, गांव की खरीद शक्ति बढ़े लेकिन नॉन प्रोडक्टिव ना हो। क्या हम एमपी के नाते, अब सीधा सीधा एमपीओ को ग्रामीण विकास के कामों में जोड़ा गया है, ये पहली बार इतना बड़ा निर्णय किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के अफसरों को सब जवाबी तलब करते रहे, थोड़ा सक्रियता से हम देखेंगे कि भाई गांव की गरीबों की जो योजनाएं आ रही है कि नहीं आ रही है। ज्यादातर देखना आप सुधार नजर आने लगेगा, सरकार किसी की भी क्यों ना हो, किसी भी दल की राज्य में सरकार क्यों ना हो, आपको सुधार नजर आ, थोड़ा आप सक्रियता बताइए इन योजनाओं का लाभ। नरेगा के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायतें कई लंबे समय से चल रही है। आप अपने इलाके में नरेगा के अंदर किसी भी सरकार क्यों ना हो, नीचे के लेवल पे अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, आप जागरूक होकर चिट्ठी तुरंत डालिए। जरूरी नहीं कि उसके साथ तू मैं करना, चिट्ठी डाल दीजिए कि भाई मैं गया, उन्होंने 30 लोग काम कर रहे बताया, 10 ही लोग थे, जांच होनी चाहिए। सचमुच में ये पैसा गरीब के हाथ में जाना चाहिए, और गरीब के हाथ में पैसा जाएगा तो गांव की खरीद शक्ति बढ़ेगी, गांव की खरीद शक्ति बढ़ेगी तो आप देखिए शहर की इकोनॉमी में भी तेजी आएगी। ये सीधा सीधा नियम है जी, हम जितनी गांव की खरीद शक्ति बढ़ाते हैं उतना लाभ हो। इस बार जो किसानों को इस ओले गिरने के बाद निर्णय किए गए हैं, अब तक कितनी संकट है, संकट पहली बार नहीं आया, परमात्मा तो बहुत बार रूठा है, इससे भी बड़ा बुरा हाल रहा है, लेकिन जो निर्णय इस बार हुए हैं पहले कभी नहीं हुए हैं। पहले 50% से ऊपर नुकसान होता था तो हिसाब होता था, और किसान चिल्ला चिल्ला करके मर जाता था, और वो सरकारी दफ्तर में किस प्रकार से हिसाब लगाया जाता होगा पता नहीं, भगवान जाने। हमने हिम्मत के साथ कह दिया कि 33% नुकसान है तो भी उसको इस मदद के दायरे में लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है दोस्तों, बहुत बड़ा निर्णय है। और दूसरा, जो उनको मदद मिलती है इस एक विशिष्ट परिस्थिति पैदा हुई है, उसको 1.5 गुना कर दिया गया। मेरे हिसाब से 1.5 गुने से भी ज्यादा ताकत वो 50 का 33 करना है, लेकिन इको इफेक्ट नहीं है। हम लोगों ने जाकर के चारों तरफ बोलना बताना, और ये अच्छा लोगों का क्या होता है, आपको कंपेरेटिव बताना पड़ता है जी, कोई किसी की आलोचना करने के लिए, लेकिन कंपेरेटिव नहीं बताएंगे तो समझ नहीं आता है जी। आपको कलर ही कलर फिल्म, अब देखिए आप देखते हैं टीवी वाले भी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों साथ साथ दिखाते हैं, क्यों?
फर्क ला, क्योंकि कलर की आदत इतनी हो गई थी कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता था भूल गए, तो ब्लैक एंड व्हाइट में से कलर में कैसे गए वो दिखाने के लिए आज टीवी में भी दिन में चार करके में ऐसे होते, बगल में ब्लैक एंड व्हाइट रखते फिर कलर वाले रखते। वैसे आपको दिखाना पड़ेगा भी पहले ऐसा था अब हमने ऐसा किया, वरना उनको समझ ही नहीं आता जी। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम चीजों को उनके सामने उस तरीके से रखें कि उनको ध्यान आए कि हाँ ऐसे काम हो सकता है। एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है, गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, महत्वपूर्ण निर्णय यह किया है कि क्योंकि ये इस प्रकार के ओले गिरने से क्या हुआ, कुछ लोगों की फसल तो थोड़ी बहुत यानी वेट के हिसाब से तो माल मिला, लेकिन दिखने से कोई हाथ नहीं लगाया कि ऐसा निकला, उसकी चमक चली गई, कहीं ऊपर का कोना कट गया। हमने कहा सरकार वो भी खरीदेगी। मित्रों ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है। क्यों? सरकार गरीब के लिए है, इसलिए सरकार के दिल दिमाग में इस देश के सामान्य मानवी की जिंदगी को बदल करना ये उसके दिमाग में उसके कारण हो रहा है जी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब गरीब देखिए 14,000 करोड़ रुपया उसने बैंक में जमा करवाए, बचत का स्वभाव बनने लगा है और नरेगा का पैसा करीब करीब 80% अब सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाने लगा है। ये लीकेज कम हुआ, ये भी गरीब का भला है कि नहीं है? भला है कि नहीं है ये काम? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं, तब इस देश के गरीब में विश्वास पैदा कीजिए कि यह दस उनकी बहुत चिंता करता है। आपको गरीबी से बाहर लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हमारे साथ चल पड़िए। और आप देखिए, वरना पहले क्या हुआ, किसी ने कह दिया एक रुपया दिल्ली से निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। भाई आपका काम सिर्फ डायग्नोसिस करना थोड़ा है, आपका काम बीमारी भी तो दूर करना है। हमारी कोशिश है जी, गैस सब्सिडी ट्रांसफर कर करके हमने डायरेक्ट बेनिफिट फोकस एक्टिविटी कैसे हो उस पर ध्यान केंद्रित किया है। और इसलिए मैं इतना अनगिनत लिस्ट बता सकता हूं दोस्तों कि जिसका आप हिसाब सोच सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों ने तय किया है कि इस सरकार के लिए अच्छा बोलना नहीं, अच्छा देखना नहीं, अच्छा सुनना नहीं, ऐसे कुछ लोग बैठे हैं। अब हम उनके लिए अपना समय हम बर्बाद न करें, जो सुनना चाहते हैं उनको तो सुनाएं भाई, हम हमारी पूरी ताकत उनको सुनाने में जा रही है जो सुनने को तैयार नहीं है, वो अपना काम करते रहे। आखिर उनको भी तो रोजी रोटी कमानी है कि नहीं कमानी है? तो गरीबों का भला हो तो उनका भी तो भला होना चाहिए। लेकिन जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सही बोलना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अब देखिए, महंगाई, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, पिछले 5 साल में मार्च महीने में सबसे नीचे रहा, जनवरी 2014 में ये 5.03 था, वो जनवरी 2015 में -0.39 था। अब मुझे बताइए ये गरीबों के लाभ में आया कि नहीं आएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन नवंबर 2013 में 11.24% था, मार्च 2015 में 5.17% था। मुझे बताइए ये गरीब के लिए हुआ कि नहीं हुआ? फूड इन्फ्लेशन नवंबर 2013 में 14.7% था,
जनवरी 2015 में 6.1% हुआ। अब देखिए सारी चीजें इतनी साफ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, आईएमएफ क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है, सब मानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही इकोनॉमी भारत है, दुनिया की सबसे तेज गति से। हर प्रकार से हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं और हम ये टीवी में खबर आ जाए या अखबार में छप जाए इसलिए नहीं कर रहे भैया। हम ये न करते तो हम चैन से सो नहीं सकते थे, इसलिए कर रहे हैं। हम जीते हैं उनके लिए, हम निकले हैं समाज जीवन के लिए, इन गरीबों के लिए निकले हैं, उन्हीं की भलाई के लिए निकले हैं जी। और इसलिए आलोचना चलती रहती है दोस्तों। आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी जिस दिन घटना अच्छी होगी बगल में एक छोटी घटना को बड़ी बनाने का सिलसिला लगातार आप देखते होंगे, क्योंकि बड़ी का काउंटर कुछ नहीं है तो छोटी को बड़ी बना करके कैसे भी करके कर लो। मुझे याद है एक बार मेरी रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन का बड़ा कार्यक्रम था, मुझे 13 सितंबर को पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्टी के नेता के रूप में चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा घोषित किया और 15 सितंबर को मेरी रेवाड़ी में कार्यक्रम था। मीडिया की भी बड़ी कृपा थी, सारे टीवी चैनल वहां मौजूद थे और एक्स सर्विसमैन ने कार्यक्रम भी बड़ा गजब किया था और पहला ही कार्यक्रम था। एक चैनल ने, उनके लिए मुसीबत थी ये दिखाना था नहीं, लेकिन अपने क्लाइंट को जाने नहीं देना था तो उनके लिए बड़ी बड़ा और बहुत बुद्धिपूर्वक काम किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, 2003 का मेरा एक वॉक द टॉक था वो उस दिन साइमल्टेनियस रिलीज किया तो लोगों को मोदी दिखता था तो चलता था, यही शायद कार्यक्रम चलता होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनको अपने अपने हर एक के रास्ते हैं, हमारा रास्ता साफ है दोस्तों। देश के सामान्य मानवी ने अपनी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमको बिठाया है, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता सुख ये हमारा पसंदगी का विषय नहीं है दोस्तों। हम कठोर परिश्रम करके सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव आए उन चीजों को लेकर के चलना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी कार्यकर्ता आज पूरा दिन भर साथ बैठने वाले हो, अनेक विषयों पर विचार विमर्श करने वाले हो। ये उत्तम विचार विमर्श, ये मंथन एक नए अनुभव नए विश्वास के साथ आने वाले सत्र के दूसरे पार्ट में देश के लिए भी उपकारक होगा, संसद के लिए भी उपकारक होगा। आपके अनुभव काम आएंगे और हर बात एक नई ताजगी के साथ शुरू होगी, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं विशेष रूप से वेंकैया जी को और पार्लियामेंट्री पार्टी को बधाई देता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए। क्योंकि मुझे तो विदेश वेंकैया जी का फोन आया था कि भाई आप आकर के सीधा ही आना पड़ेगा आपको, तो मैं हाजिर हो गया, लेकिन ये कार्यक्रम की रचना की है ये, मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं। और आप भी इतनी बड़ी संख्या में एक दिन पहले आ गए, क्योंकि आपको भी मालूम है महीने भर कहीं जाना नहीं है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और सचमुच मैं दोस्तों आप सबके कारण हम गर्व अनुभव करते हैं, मैं सच बताता हूं जी। मेरे पास खबर है आप में से कोई पिछले 20 दिन अपने घर गया नहीं, इस प्रकार से दौड़े हैं। हर जगह से मेरे पास रिपोर्ट है, हर एमपी दौड़ रहा था, हर एमपी इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वरना आप जीत गए देखेंगे 2018-19 में देखा जाए कि ऐसा नहीं किया, ये अपने आप में अच्छी बात है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद।